नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कर्म योग है, ज्ञान योग है और यह अपनी अलग संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। विकास की दृष्टि से इसे देश में बहुआयामी विकास का प्रतीक माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष बुधवार को हरियाणा विधानसभा सदन में पहली बार चुनकर आए 44 विधायकों को विधायिका कार्य प्रणाली समझाने के लिए लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा हरियाणा विधानसभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय प्रबंधन कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों हुए सांसदों को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा हरियाणा विधानसभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों में सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो विधानसभा में सदन के नेता भी हैं, विधानसभा के सत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में किए गए प्रयासों की सराहना भी की। लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस प्रयास की भी सराहना की जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपने आगामी विधानसभा बजट सत्र में बजट पेश करने से पूर्व भी विधायकों से सदन में सुझाव आमंत्रित करेंगे कि वे अपने क्षेत्र में किन विषयों व मुद्दों को बजट में शामिल करवाया चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हरियाणा विधानसभा देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक मॉडल होगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। हम सब विधायकगण इस देश के, इस प्रदेश की जनता के आशा और विश्वास के अभिरक्षक हैं और इस नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम विधायक की भूमिका निभाते हुए विधायकी का कार्य करना, विधायक कानून बनाना, नीति निर्धारण करना और इस विधायी शासन के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हुए किस तरीके से धन का सही उपयोग हो, वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण हो, ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को हमें बहुत जिम्मेदारी से निभाने की जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने हमें दी है। आखिर हमारी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है और इसको हम सामूहिक रूप से परिवर्तन करेंगे, किस तरीके से हमारे लोकतंत्र की मंदिर की छवि अच्छी बने, जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। क्योंकि जब विधानमंडल और लोकसभा या संसद के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा और बढ़ेगा तो हम ज़्यादा जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा ऐसे गौरवमयी विधानसभा रही है, इसका अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास को हम उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती, कर्मयोग की धरती, गीता ज्ञान की धरती एक संदेश दे पूरे देश के अंदर कि छोटी विधानसभा होने के बाद भी एक लंबा सत्र, विधायी कार्य में एक लंबा संवाद चर्चा, प्रदेश के हर विषय पर एक लंबी चर्चा संवाद, जनता की समस्याओं के प्रति भी एक लंबा संवाद चर्चा। और मुख्यमंत्री जी ने तो एक बात और शुरू की है कि बजट के पहले भी, प्री बजट पर भी विधानसभा में चर्चा हो, संवाद हो, सभी माननीय जनपति अपनी अपनी जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। बजट अनुमान के अंदर सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सके, ये काम भी मेरी शायद में देश की पहली विधानसभा में
ये काम भी एक नई शुरुआत होगी जो एक मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, इस महासदन में लगातार दो दिन से विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली व इसका व्यवहारिक प्रयोग, प्रश्नकाल, शून्यकाल, राज्यपाल अभिभाषण, समिति प्रणाली, बजट प्रक्रिया, विधायी कार्य तथा एक सक्रिय एवं प्रभावशाली जनप्रतिनिधि कैसे बने, विभिन्न विषयों पर भारत की गौरवशाली लोकसभा के निदेशक श्री विनय कुमार मोहन जी, श्री जिया कुमार टी जी व श्री पुलिन बी भूटिया जी, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ने हमें विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञानवर्धन हुआ तथा इन टेक्निकल विषयों में दृढ़ता से विश्वास भी बढ़ा है। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति सभी माननीय सदस्यों ने गंभीरता व गहरी रुचि दिखाई तथा प्रत्येक सत्र में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। वास्तव में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्रभावी ढंग से कैसे निभाई जाए, उनकी सक्षमता और कौशल विकास में और अधिक वृद्धि कैसे हो तथा संवैधानिक व संसदीय परंपराओं को और मजबूत कैसे बनाया जा सके, और मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से व आपके कृपापूर्ण सहयोग से हमने इन उद्देश्यों के इन दो दिनों में प्राप्ति अवश्य की है। संसद में एक श्रेष्ठ सांसद का एक चयन किया जाता है, इसी प्रकार हमने भी एक कल विचार करके हमारे अध्यक्ष महोदय को कहा कि ऐसा कोई एक सिस्टम बना लें कि हम भी वर्ष में एक बार उनका अपने विधायकों का मूल्यांकन कराएं, पैरामीटर्स बनाएं और उसमें बेस्ट MLA इसकी भी घोषणा वर्ष में एक बार होनी चाहिए, ताकि विधायकों में होड़ लगे कि हमको अपने विधानसभा में किस प्रकार का आचार विचार व्यवहार ये बनाना है। उसमें से हमारी ट्रेनिंग भी होगी, हमारी मर्यादाएं भी स्थापित होंगी और हमारा व्यवहार जो है वो भी उचित प्रकार से वो ध्यान में आएगा। सदन का समय पिछले जब हमारी टर्म शुरू हुई थी 5 साल पहले, तो हमने तय किया था कि इसके 15 सत्र ये ज़रूर हम कराएंगे, तो 15 सेशन ये हमारे हुए और अभी तक का जो हरियाणा का इतिहास है उसमें सर्वाधिक बैठकें 86 बैठकें सिटिंग्स हमने करवाई, पहले कभी 86 हुई नहीं थी। और इस बार मैं आग्रह करूंगा, बल्कि योजना बनाएंगे सब जो मंत्रिमंडल के माध्यम से भी हम उसका विचार करेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विचार करेंगे कि हम इन बैठकों को 100 से पार ले जाएं। 100 बैठकें कम से कम वर्ष में, 5 वर्ष में ये ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो उनका बजट सत्र ही 25-28 दिन का चलता है, तो जितना लंबा समय हम चर्चा में लाएंगे उतना विषयों में निखार आएगा और उतना जनता को हम अपने दायित्व के हिसाब से कुछ अच्छा दे पाएंगे, ठीक दे पाएंगे। आखिर जनता ने हमारे जिम्मे जो काम लगाया है, जो हमसे अपेक्षा है, उसको लक्ष्य ऊंचा करके हम हरियाणा के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लक्ष्य ऊंचा यानी जैसा आसमानी लक्ष्य, आसमान में उड़ने जैसा लक्ष्य। हमको ऐसा नहीं कि जानकारियां नहीं हैं, नए पुराने सदस्य बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ अध्ययन भी करते हैं, जितनी आवश्यकता और भी हम करेंगे, फिर भी हमारे हौसले जो है वो परिंदों के समान जैसे आसमान में ऊंचाई में उड़ते हैं, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। इसलिए अपनी मंजिल को ऊंचा पहुंचाने के लिए हम सब लोग अपने लक्ष्य को ऊंचा रख करके आगे बढ़ें।